माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को ये हिदायत दी थी कि शूलनी मेले के दौरान किसी भी तरह के थर्माकोल का उपयोग नहीं किया जाए। ये हिदायत इसलिए दी गई थी ताकि हिमाचल के पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी शूलनी मेले में थर्माकोल की प्लेट्स और गिलास को धड़ल्ले से उपयोग किया गया और न्यायालय के आदेशों की धज्जियां सड़ेआम उड़ती नजर आई हैं। सारा जिला प्रशासन ठुड्डो मैदान में मौजूद था। खेल मंत्री गोविंद ठाकुर भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे, लेकिन सभी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाने में मशरूफ थे। यही कारण रहा कि खाने के विभिन्न स्टॉलों पर थर्माकोल का उपयोग खुलेआम होता रहा। थर्माकोल का प्रयोग में ला रहे दुकानदार से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने अपने आप को इस नियम से अनभिज्ञ बताया और कहा कि जिला प्रशासन ने उन्हें थर्माकोल का उपयोग न लाने की कोई जानकारी नहीं दी है। विगत 13 वर्षों से सुन्नी माता मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्याज कचौरी, दाल बाटी चूरमा, बीकानेरी जलेबी, इस तरह की राजस्थानी जो व्यंजन है, चाट वगैरह, वो लोग हम लोग सर्व करते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद करते हैं। हम लोग दरअसल पंजाब में एक प्रोग्राम करके आ रहे थे तो वहाँ से जो बचा हुआ था वो डिस्पोजल हम ले आए, यहाँ किसी ने नहीं मना किया। थर्माकोल के लिए नहीं बोला गया, प्लास्टिक के लिए। वहीं जब खेल मंत्री गोविंद ठाकुर से शूलनी मेले के दौरान उपयोग में लाए जा रहे थर्माकोल और प्लास्टिक की प्लेटों के बारे में पूछा तो उन्होंने एक पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी सरकार हिमाचल को थर्माकोल और पॉलीथीन फ्री बनाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन ये चमत्कार रातों रात नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। देखिये, जो आपने कहा कि अब एकदम से रातों रात कोई चीज बंद नहीं होगी, लेकिन अब ये कि हमने जो ये कॉल दी है कि हम प्लास्टिक फ्री हिमाचल करेंगे, लेकिन ये हमको करना है। अब इसको धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे कम होगा। अब एकदम से यदि हम कहेंगे एकदम से सब कुछ, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट हमको निकालना है और वो निकाल रहे हैं। और बहुत जगह पर मैंने स्वयं अपनी गाड़ियों में जगह जगह पर प्रयास किया कि हम स्टील की बाल्टी, स्टील की बॉटल वो लें, और सभी को मेरा निवेदन है कि सब, यानी बाकी को देखा देखी नहीं, लेकिन अपने आप से हम लोग तैयारी करें तो इसको तो हमको करना प्लास्टिक मुक्त। आपने कहा, देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ एकदम से सारी चीज़ को कहीं पर भी बंद करना इतना, यानी कि इतना आसान नहीं है। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये चुनौती स्वीकार की है और ये कि हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एकदम से कोई कहेगा कि तुरंत हो जाए जादू छड़ी की तरह, तो वो होने वाला नहीं है।